वेलकम टू speedearning.com stockforexpost.com। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप ठीक से काम कर रहे होंगे। ये अभी क्रूशियल टाइम है जहां पे आपके एजुकेशन सबसे ज्यादा काम आता है। देखिये, नॉर्मल मार्केट्स में तो कोई भी इंसान कुछ भी करता है तो उसको लगने लगता है कि वो ट्रेडिंग सीख गया है, उसको इन्वेस्टमेंट का भी मास्टर हो गया, ऑप्शन फ्यूचर में भी पैसा बना लेता है। लेकिन जब ऐसा चैलेंजिंग टाइम आता है जहां बाजार में बहुत वोलेटिलिटी है या बाजार अचानक से धोखा देके पलट जाता है, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है अपने डिसिप्लिन की। अगर वो डिसिप्लिन आपके पास नहीं है तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। दोस्तों, आगे बाजार क्या करने वाला है इस पे हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आप लोग क्या करने वाले हैं, साथ में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में और स्टॉक ऑप्शन में, स्टॉक फ्यूचर में आप क्या करने वाले। आज स्पेशली मैं इसीलिए टाइम निकाल के आया हूं कि ये वो समय है जहां पे बहुत सारी गलतियां हो सकती है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि छोटी छोटी गलती या छोटे छोटे स्टॉप लॉस से आप बाजार से बाहर नहीं जाते। गलतियां तो हम भी रोज ही करते हैं। जैसे कई बार लोग फोन पे पूछते हैं कि सर मुझे कोई ऐसी टिप दो कि वो 100% श्योर हो और कभी स्टॉप लॉस ही हिट नहीं होना चाहिए, तो मैं उनको सीधा सीधा साफ साफ बोल देता हूं कि भाई आप ये मत करो। अगर कोई ऐसी चीज होती जो 100% श्योर है तो फिर किसी इंसान की जरूरत ही नहीं ना। मैं पूरी दुनिया का पैसा 1%, 2%, 5% के इंटरेस्ट रेट पे उठा सकता हूं और फिर उस पैसे पे पैसा बना के और बाकी पैसा सबको चुका दूं, ये पॉसिबल है। लेकिन बिजनेस तभी बिजनेस बनता है जब उसमें जोखिम इन्वॉल्व हो। तो जोखिम है यहाँ पे मार्केट में। किस चीज का जोखिम है? अनिश्चितता का। ये अनसर्टेनिटी जिसको आप हटा देना चाहते हैं, वो अगर नहीं होगी तो स्टॉक मार्केट हो ही नहीं सकता ना। अगर कोई आदमी सोच रहा है कि नहीं, मार्केट को बढ़ते ही जाना चाहिए, नीचे ही ना गिरे, तब जो लोग शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाह रहे हैं कि बाजार नीचे गिरे, ऊपर ही ना जाए। आप बताइए, ऐसा होगा क्या कभी? तो मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों एक तरीके से कहें तो रस्सा कशी का खेल खेल रहे हैं। बायर मार्केट को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, सेलर मार्केट को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। अब अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो बायर की ताकत बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, एकदम सेलर के स्टॉप लॉस हिट होंगे, आधे सेलर बायर बन जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे 1000 बायर थे, 1000 सेलर थे, अब 500 सेलर बायर में शामिल हो जाए तो 500 सेलर बचेंगे और 1500 बायर हो जाएंगे। मतलब 500 सेलर्स है, 1500 बायर्स हो गए, 1:3 का रेशो हो गया, तो बाजार तेजी से ऊपर चला जाएगा। जैसे अभी हम बात करें तो अभी सेलर जीत गए थे, सेलर्स ने सपोर्ट लेवल निफ्टी का, बैंक निफ्टी का तुड़वा दिया, क्योंकि सेलर ज्यादा हो गए, सपोर्ट लेवल टूटा तो तेजी से बैंक निफ्टी और निफ्टी नीचे आ गए। ये पूरी घटना आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये पता नहीं चलेगा तो आप अंदाजे में कुछ भी करते रहो, अगर कभी तीर तुक्के में पैसा मिल भी गया तो पैसा आपका है नहीं, वो जाने वाला है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आज निकल नहीं तो परसों कट जाएगी। बगैर जाने, बगैर नॉलेज के आदमी एक रुपया भी घर ले जा नहीं सकता। हाँ, अगर उसको एक दिन के लिए 5000 रुपए ले जाने को मिल भी गए हैं तो समझो हफ्ते भर के अंदर 50000 रुपए वापस देने आने वाला है। ये तो एक तरह का जाल बन जाता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि बायर सेलर होते हैं और बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं, इसलिए तो बाजार काम करने लायक जगह बनी। जैसे आपने कोई शेयर समझो 100 रुपीज में परचेस किया था, वो बहुत तेजी से 112 चला गया, आपने थोड़े बेचे 115 पे बेचे, फिर एकदम पलटा वो नीचे आ गया। जैसे हम बात कर लें आईबी रियल एस्टेट, इंडिया बुल रियल एस्टेट की, अब वो वापस आज 96 रुपीज मिल रहा था, तो जिसने 110-115 में कहीं भी बेचा था वो वापस इसको यहाँ पे खरीद सकता। जिसने ऊपर शॉर्ट किया था उसको भी शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिल गया। शॉर्ट सेलिंग किसको कहते हैं, नए लोगों को पता है ना, शॉर्ट सेलिंग मतलब गिरावट में शेयर को ऊपर बेच देना, 110 पे बेच दिया और गिरावट में जब वो 105 आता है तो 5 रुपए कमाए, और जो 100 आ जाता है तो 10 रुपए आपने कमाया, प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो आप बुलिश ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बीरिश ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, दोनों चीजें आपके हाथ में। दोस्तों, बाजार का निफ्टी का सपोर्ट लेवल क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं, आप नोट करके रख सकते हैं। 14,650 के आसपास सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट आता था, और सपोर्ट लेवल दूसरा अगर बात करें
तो 14,450 का भी बनता है। तो ये S1, S2, S3 मतलब एक लेवल तोड़ा तो 14,900 से तोड़ दिया तो कहां पे आ जाएगा 650, और 14,650 तोड़ दिया और उसके नीचे फिर जाने लगा तो कहां जा सकता है 14,450 भी जा सकता है, लेकिन जाएगा ये जरूरी नहीं है। तो फिर अब आप कहेंगे कि सर हम क्या करें, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगले दिन जब बाजार खुलेगा तो ग्लोबल मार्केट कैसा है पहले ये देखेंगे। आज तो ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक थे, फिर भी हमारे मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आ गई। कारण क्या है, बॉन्ड यील्ड उधर यूएस में बढ़ रहा है, और दूसरा यहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ने की खबर जब आ रही है तो दुबले और दो आषाढ़ मैंने बताया था आपको हमेशा कि अगर सेंटिमेंट खराब है तो और ज्यादा तेजी से गिरावट आ जाती है। वो गिरावट भले ही ज्यादा लॉजिकल नहीं हो फिर भी वो बहुत तेजी से बाजार नीचे चला जाता है, और जो लोग मजबूती से खड़े थे ये सोचते हुए कि नहीं 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 हम तो नहीं बेचेंगे अब तो, हम इसको भूल जाएंगे रख लेंगे चाहे जो हो, वो भी जैसे ही 10% नीचे जाता है शेयर एकदम सोचने लगते हैं कि अरे यार क्या करें, एक बार निकल जाए क्या, फिर नीचे के लेवल पे एंट्री कर लेंगे, या फिर बाजार में जब चीजें ठीक ठाक हो जाएगी फिर वापस एंट्री कर लेंगे। तो आप जो भी सोचते हो यहाँ पे यहाँ टिकता नहीं है, कुछ भी नहीं टिकता मार्केट में। मार्केट में मैं कई बार आपसे बोलता हूँ कि आपने यहाँ पे जो भी खबर सुनी है वो खबर सुबह सुनी है तो दोपहर के काम की नहीं है, दोपहर को सुनी है तो कल सुबह के काम की नहीं है। उस खबर की एक उम्र होती है, वो उम्र का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा जो चेंज है अभी तक हम जिंदगी में जो भी सुनते सीखते हैं वो बड़ा स्लो चेंज है। आपने 5 साल पहले किसी चीज के बारे में सुना होगा तो आप अभी तक उसके बारे में वही धारणा बना के जी रहे हैं। कई बार बचपन की कहानियों को ही हम अभी तक अपनी जिंदगी का आधार बना के चलते चले जा रहे हैं, है ना। अब बिल्ली ने रास्ता काट दिया या पीछे से छींक हो गई, हम उसी को माने जा रहे हैं, हमने कभी चेक भी नहीं किया कि भाई ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे साइंटिफिक सोच और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है। अब अगर कल बाजार गैप अप खुल जाए तो आप ये मत सोचना कि यार टाटा स्टील तो 735 बंद हुआ है तो 735 पे आप सोच रहे थे लेने को और वो 744 खुल गया, तो ये नहीं सोचते रहे कि अरे यार अब तो ऊपर चला गया। परसेंटेज में सोचना, तो परसेंटेज में सोचेंगे तो क्या पता लगेगा आपको। परसेंटेज में अगर आप सोचेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि तो 1% ऊपर है, अभी तो चलने को 5-6% भी चल सकता है ना। जैसे आज 2 सेक्टर बहुत पॉजिटिव हुए, बाजार जब रिकवर हुआ पहले तो गिरता गया लगातार, बाजार में जब रिकवरी आई तो आईटी सेक्टर और मेटल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और रियल्टी सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा था लेकिन वो मिक्स्ड था। रियल्टी सेक्टर में जो मिड एंड स्मॉल कैप थे वो तो गिर रहे थे, लेकिन ओबेरॉय रियल्टी जैसे शेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ओबेरॉय रियल्टी अपनी ताकत कल परसों से ही दिखा रहा था, है ना। यहाँ पे इसीलिए मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग में कहता हूँ कि ओबेरॉय रियल्टी 570 रुपीज से ये शेयर गिरते गिरते 540-545 चला गया था। तो 1-2-3 के रेशो में जो लोग इकट्ठा कर रहे थे ना, और उसको क्यों इकट्ठा करेंगे। अब आपका सवाल ये है कि सर ओबेरॉय रियल्टी ये किसने बताया, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का जिन्होंने हमसे कोर्स लिया हुआ है उनको हमने सिखाया है कि स्टॉक कहाँ से चुनेंगे। तो रियल्टी सेक्टर में जब आप जा रहे हैं, और जब आपने हमारा वीडियो देखा होगा कि अपने सपनों का घर आप कैसे खरीद सकते हैं, अभी तो आप घर खरीदने के लिए लोन उठाते हैं, लोन पे ब्याज देते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी सुविधा से कभी 10,000 कभी 20,000 कभी 35,000 कभी 30,000 कभी फिर 8,000 उसके शेयर खरीदते जाएंगे और ब्याज देंगे नहीं बल्कि पैसा और कमाएंगे। तो इसके लिए आप रियल्टी स्टॉक चुनने जाएंगे ट्रेंड लाइन में। ट्रेंड लाइन में आपको जब टॉप 5 शेयर देखने को मिलेंगे जिनका म्यूचुअल फंड होल्डिंग और FII होल्डिंग ज्यादा है, तो उसमें ओबेरॉय रियल्टी का नाम सबसे ऊपर आपको दिखेगा, वहां पे फिनिक्स रियल्टी का नाम आपको दिखेगा, गोदरेज प्रॉपर्टी आपको दिखेगा। तो कहां से आएगा, जब भी स्ट्रक्चर के साथ आप डिसीजन लोगे आपको हर अच्छे स्टॉक का नाम सामने आएगा। और मैंने आपको बताया भी है कि कई बार लोग बोलते हैं कि सर मैं तो इंट्राडे ट्रेडर हूं, मुझे फंडामेंटल एनालिसिस से क्या लेना, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस का जरूरत पड़ता है ट्रेडिंग में, तो फंडामेंटल का तो कोई मतलब ही नहीं है। फंडामेंटल का बहुत मतलब है, ये बात आज तक किसी ने इस तरीके से नहीं समझाई है, लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को इंस्टीट्यूशन खरीदता है, इंस्टीट्यूशन खरीदता है तो 10-12% 15% की रैली आती है, और उसमें अगर आप सवार हो गए तो जो अभी लक्ष्मी मशीन का एक वीडियो देखेंगे आप फ्राइडे के दिन, लक्ष्मी मशीन में 50,000 रुपए मिले हैं 80 शेयर में 90 शेयर में, तो उतना बड़ा फायदा हुआ वो भी किस दिन,
जब निफ्टी 250 पॉइंट माइनस हो तो बुरे से बुरे दिन में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, और वो भी ऐसा नहीं कि एक ही शेयर खरीदा था और सारी चीजें अच्छी हुई थी। उस पूरे दिन की कहानी में हमने आपको समझा रखा है कि कैसे हर सौदा बेकार हो गया, कैसे हर सौदे में 25,000 रुपए लग गए, फिर एक सही सौदे ने आपको 50,000 रुपए दे दिए। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। आप निफ्टी का या बैंक निफ्टी का कॉल खरीदना चाहते हैं लेकिन डर लगता है, क्योंकि ये तो आपने फ्राइडे को भी सोचा था, फ्राइडे के कॉल के अभी रेट देख रहे हैं तो आधे हो चुके हैं, तो आप एकदम डरने लगे कि भैया नाम ही मत लो, वो कॉल ले लिया होता तो मर जाते अभी। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको पोजिशन बनानी होगी। तो आपके डर का जवाब क्या, आपके डर का जवाब ये है कि यहाँ पे अगर मैं देखूं कि 14,800 पे निफ्टी खड़ी है, तो 14,900 का कॉल अगर 100 रुपए का है तो उसके साथ में 40-45 रुपीज का पुट का कॉम्बिनेशन बना के मैं छोड़ सकता हूँ। इससे क्या होगा कि यहीं से बाजार अगर भागा, क्योंकि बाजार गिर चुका है पहले, इसलिए हम कॉल को बड़ा खरीद रहे हैं, पुट को छोटा, क्योंकि यहां से और गिरेगा इसकी संभावना कम दिख रही है, इसलिए पुट की प्रीमियम हमने आधी रखी। लेकिन एक डिप्पी और ले लिया बाजार ने तो आपका 50 रुपीज का पुट एक ही दिन में 120-140 हो जाएगा। आपका दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन अभी 150 का है, तो आपको दोनों तरफ का मिला के अभी भी 170 तो दिख ही रहा होगा। और अब बाद में आप कॉल में वेट करेंगे तो वो कॉल भी जो 100 से घट के 40 हो गया था, वो भी बढ़ के बाद में 150-160 कहीं आराम से बिक जाएगा और आपको झटका भी नहीं लगेगा। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग स्ट्रेंगल, मतलब आपने कॉल और पुट दोनों खरीदे। लेकिन ये कब खरीदना चाहिए, जब बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं तब कॉल और पुट को खरीदा जाना चाहिए, और जब बाजार रेंज बाउंड होता है तो आपको ऑप्शन राइटिंग करनी चाहिए, उसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रेंगल। दोस्तों ऑप्शन का स्पेशल कोर्स हम लोग करने वाले हैं, एक फ्री कोर्स, उसका आपको डिटेल मिल जाएगा। और उसके बाद वैसी ऑप्शन सीखने के लिए जो बड़े बड़े कोर्सेज होंगे उनको आपको ज्वाइन करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है नॉलेज की, उस वक्त वो नॉलेज सबसे लोगों तक पहुंचे और कम से कम कुछ ऐसा हम आपको बता सके कि आप उल्टी पोजीशन तो बाजार में ना बना ले। बाकी जिसको सिंसियर ट्रेडिंग करनी है वो तो मुझे नहीं लगता कि फी देखता होगा कि नहीं, अभी कब 20,000 का मिल रहा है, कब 15,000 का मिल रहा है, कब 1,00,000 है, कब 50,000 है, कब डिस्काउंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे समय की कीमत है, यहाँ पे मौके की कीमत है ना। मौके की कीमत कैसे समझते हैं आप, जैसे आप कभी कुल्लू मनाली घूमने गए होंगे तो आप वहां रोहतांग में बर्फ के पहाड़ पे चले जाएंगे तो वहां आपको 50 रुपए की चाय मिलेगी या 100 रुपए का मैगी मिलेगा। तो वहां पे अगर कोई बोले कि नहीं ये चाय तो 10 रुपए की होती है और मैगी तो 15 रुपए में मिलनी चाहिए, तो क्यों नहीं मिलती वहां पे, क्योंकि वहां मिलने के का मामला है, उस मौके पे वो जो चीज मिल रही है उससे उसकी कीमत बनती है ना, उसी से आपका एक्सपीरियंस बनता है। यहाँ पे पैसा किस चीज से बनता है कि जो नॉलेज आपको आज दोपहर में 2 बजे होना चाहिए था वो अगर 1 घंटे बाद मिले तो कोई मतलब थोड़ी है। जैसे आपको लक्ष्मी मिशन हमने लिया 6800 पे, 1 घंटे बाद वो 7500 हो गया, तो उसकी वजह से उसने 50,000 रुपए दे दिए। लेकिन अगर यही नॉलेज मुझे 1 घंटे बाद कोई देगा तो किसी काम का नहीं है ना। आप जैसे दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में अखबार बिकते हैं, तो अखबार सुबह सुबह 4-5 बजे जो बिकते हैं उनका रेट अलग होता है, फिर 10 बजे उनका रेट आधा हो जाता है और 2 बजे के आसपास वो 5 रुपए का अखबार 1-1 रुपए में बेचने लग जाते हैं। इसका मतलब इंफॉर्मेशन जैसे ही पुरानी हुई उसकी कीमत खत्म होती जाती है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी में जिस लेवल पे बैंक निफ्टी खड़ी है उसका नियरेस्ट आउट ऑफ मनी मोस्ट एक्टिव कॉल पुट आप देखने जाएंगे। क्या देखने जाएंगे, मोस्ट एक्टिव बैंक निफ्टी के कॉल पुट, वो 500-500 पॉइंट दूर के भी हो सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि सपोज 35,500 का कॉल मोस्ट एक्टिव है, इधर 35,000 का पुट मोस्ट एक्टिव है, तो हमने बड़ा कॉल और छोटा पुट का कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे छोड़ दिया उन लोगों के लिए जो बार बार मार्केट में डिसीजन नहीं ले सकते, जिनको उतार चढ़ाव से घबराहट होती है। दूसरे लोगों को क्या करना चाहिए, हमारी 153 और 953 वाली जो स्ट्रेटेजी आपने ले रखी है, नहीं लिए तो जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे 1300, 1500, 1900 के ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल कोर्स, एक सिंगल स्ट्रेटेजी। कई लोग पूछते हैं सर वो
वहां पे 1500-2000 के कोर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे ये 6000 रुपए का क्यों है कोर्स, इनमें फर्क क्या है? तो 1500 रुपए में एक स्ट्रेटेजी मिल रही है आपको, 6000 रुपए में आपको 10 से ज्यादा स्ट्रेटेजी मिल रही है, मतलब एक स्ट्रेटेजी की कीमत आधे से भी कम, बल्कि 1/3 हो गई है। तो जब आप इकट्ठा कोई चीज सीखने के लिए कोशिश करते हैं और अपने आप के साथ कमिटमेंट करते हैं, तो आपको ज्यादा बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं, ज्यादा बड़े फायदे मिलते हैं, जैसा आपको सुटेबल हो वैसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बैंक निफ्टी के और निफ्टी के फ्यूचर में आपको वीकली हाई लो कल नोट करके रख लेना है, आज ही रात को नोट कर लीजिए, पिछले 5 दिन का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो क्या है ये पता कर लीजिए, है ना। तो वीकली स्ट्रेटेजी का फ्री वीडियो भी आपको मिल सकता है, वो आप देख सकते हैं, 5-10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन डिटेल में अगर उसको जानना है तो आप कोई जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड जो हमारा एंड्रॉइड ऐप है वहां पे जाके कोई सिंगल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जिसमें मास्टर स्ट्रेटेजी के नाम से वीकली स्ट्रेटेजी होती है उसको ले सकते हैं। तो 5 दिन का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो आपके नजर में रहे, मेन मुद्दे की बात ये है। और जैसे ही आपको दिखता हाई ब्रेक हो रहा है तो आपको सेलिंग नहीं करनी है, शॉर्ट सेलिंग की धुन में रहते हैं लोग। तो अभी पता चला कि 14700 पे किसी ने कहा कि निफ्टी को शॉर्ट सेल कर दो फ्यूचर को, तो वो उन्होंने सुन लिया, उनके दिमाग में बात बैठ गई कि निफ्टी की शॉर्ट सेलिंग बोली है। अब वो जब 15,000 पे गया तो आपको लगा कि चलो ये तो और 300 पॉइंट ऊपर है, तो वहां पे शॉर्ट सेल मत कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 14,700 पे शॉर्ट सेल करने को कह रहे थे, 800 पे नहीं करना है, 900 पे तो और कम चांसेस हैं। तो वहां पे अगर आपने शॉर्ट सेलिंग कर दी तो उल्टे फंस जाएंगे और इसी से आप बाजार से बाहर होते हो, बाजार में एक उल्टी पोजिशन बना ली। और उसका एक कारण पूछता हूं मैं कई बार ट्रेडर से कि क्यों किया ऐसा, बोले मुझे लगा नीचे जाएगी, मुझे लगा ऊपर जाएगी। आपके लगने से पैसे लगते हैं भाई, इसलिए एक एक कॉमन सेंस या एक कॉमन टेक्निकल कंसेप्ट तो समझने की कोशिश करो जो फ्री वीडियोस में है। और कभी हमको लगता है कि नहीं भाई मैंने तो ऐसे बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए यहां वहां, तो फिर सिंसियरली सीखने का मन बनाएंगे। अभी हमने 14,000 के 3 कोर्सेस का ऑफर रखा था जिसमें 2 महीने का स्पीड ट्रेडिंग मैसेज का पैकेज गया, तो बहुत सारे लोगों ने उसको लिया और उन्होंने मुझे लगता कल और परसों में, मतलब फ्राइडे और मंडे में ही अपना कॉस्ट रिकवर भी कर लिया। वो हम कभी कमिट नहीं करते कि 2 दिन में आप फी रिकवर करो, क्योंकि मुझे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो आदमी ऐसा कहता हो कि नहीं यार 2 दिन में पैसे वापस मिल जाए। तो मैं कहता हूँ अपना पैसा अपने जेब में ही रखो, तकिए के नीचे रख के सो जाओ, मजा आएगा, इसको देखते महसूस करते रहना। यहाँ पे वो इंसान आना चाहिए जो बोले कि नहीं यार 15,000 रुपये मैंने अगर खर्च किए हैं तो 10 दिन में 1500-1500 रुपये करके वापस आए चलेगा, लेकिन मुझे सीखना, क्योंकि पैसा कितना मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बोलने वाले लोग अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बनेंगे। अच्छे ट्रेडर कौन लोग बनेंगे? जो ये चाहते हैं कि हम चीजें सीखें, हम बाजार में बर्बाद ना हो जाएं, पहले उस चीज का इंतजाम करो, उल्टा पोजिशन ना बने, बड़े नुकसान ना हो, मेरा टेंशन खत्म हो और उसके बाद फिर आप काम करो। कोई बोल रहा है कि सर लाइव ट्रेड स्क्रीन पर आकर कीजिए आप भी। आपको अगर हमारी बात समझ में नहीं आती है तो आप मत सुनिए भाई, अगर आपको समझ में आती है, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग देखने से कौन सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, मैं वहां पे अपने सौदे करते रहूंगा, आपको क्या मालूम पड़ जाने वाला है। यहाँ पे इतना मेहनत करके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिसका काम सिखाना है उसको सिखाने दीजिए, आपका काम सीखना है, समझ में आए तब तक सुनिए, नहीं तो मत सुनिए। गुड इवनिंग जी, जय हिंद जय जवान, क्या बात है जवान जी, कैसी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं आप। चलिए अभी हम बात करते हैं लाइव मार्केट में आए कभी, लाइव मार्केट के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, उसको ध्यान से सुनिए, है ना, और बाकी लोगों को अपनी बात सुनने दीजिए, क्योंकि आपके फ्रस्ट्रेशन में ना आपको फायदा होगा ना इनको फायदा होगा। सर आज कोटक में सेल दिखा रहे थे और अचानक बाय आ गया, क्योंकि निफ्टी अचानक रिकवर कर गई तो ये होने वाला है। मेरी मदद करो, मुझे ट्रेडिंग करनी है, क्या प्रोसेस रहेगी? रंगीला राजस्थान जी, आपको इसके लिए एक वीडियो कोर्स लेके शुरुआत करनी चाहिए, है ना, और अपने आप को इतनी सी बात समझा देना कि बाजार से कोई भी इंसान 2,000-5,000 पर डे का लेने आ गया है, लेकिन उसको 100 रुपये रोज का भी बोले कि इसमें इन्वेस्ट करके सीखो या खर्च करो तो वो कपड़े फाड़ने लगता है। तो इस तरह की मेंटेलिटी है तो मत करो ये काम, है ना। जरूरी नहीं है कि हम कोई भी काम
करें ही सही, हमारे लिए बहुत दूसरे काम है जो एकदम डिफेंसिव प्रोटेक्टिव है, कोई आपसे चवन्नी भी नहीं मांगेगा। आपको अगर यहाँ पे ये नॉलेज बेस्ड बिजनेस है तो अगर सीखने की मानसिकता नहीं है या पैसे की खेती बगैर पैसा बोए और बगैर बीज बोए करनी है तो नहीं होगी। हाँ, मैं बात कर रहा था कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर का वीकली हाई लो और निफ्टी के फ्यूचर का वीकली हाई लो नोट करके रखना। अगर पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है, हाई टूटता है तो बाइंग बनेगी, सेलिंग नहीं बनेगी, और लो टूटता है तो ही सेलिंग बनेगी, अभी नहीं तो शॉर्ट सेलिंग मत करना यहाँ पे, क्योंकि 3 दिन से लगातार गिरावट हो रही है तो नए लोगों को लगेगा देखो परसों भी गिरा, कल भी गिरा, आज भी गिरेगा। जैसे कोटक वाले जो भाई साहब थे, ये पूछ रहे थे कि अचानक पलट गया, पलटेगा ना, क्योंकि साइकिल कैसे काम करता है, कोई चीज बहुत ऊंचाई पे थी, पहले दिन बढ़ी, दूसरे दिन बढ़ी, तीसरे दिन भी बढ़ी, आपने वहां खरीद लिया क्योंकि आप देख रहे थे 3 दिन से भाग रहा है, खरीदने लायक है, जबकि वो बेचने लायक था, नीचे से चला आपके सामने, आपके सामने 20% ऊपर चला गया, तो खरीदने लायक तो कम बचा था, कम वॉल्यूम में लेके गलती भी कर ली होती तो आप निकल जाते अगर कम वॉल्यूम होता तो, लेकिन अब बड़ा वॉल्यूम, इसलिए लंबे समय तक रुक गए तो लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ गए बात को? अब यहाँ पे गिरते गिरते आप देख रहे हैं कि निफ्टी एक दिन 200 पॉइंट, दूसरे दिन 250 पॉइंट, तीसरे दिन 200 पॉइंट गिर गई, 600-700 पॉइंट नीचे आ गई है, तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करना सबसे ज्यादा रिस्की हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ध्यान रखेंगे आप वीकली हाई लो दिमाग में रखेंगे, और अगर वीकली हाई तोड़ते हैं तो अगर किसी को कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है, लॉन्ग स्ट्रेंगल कॉल पुट दोनों नहीं खरीदना है, आपको सिर्फ कॉल खरीद के स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप जब पॉजिटिव ब्रेकआउट हो तो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल ही खरीद लेंगे, जब नेगेटिव ब्रेकआउट हो तो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट ही खरीद लेंगे। ये आपको करना है, इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आखिरी में आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स के नाम बताऊंगा जिनमें हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है। जंप नेटवर्क के बारे में पूछ रहे हैं, जंप नेटवर्क एक्चुअली बहुत रिस्की टाइप का बिहेवियर है इसका, 95 रुपीज पे था और वहां से लुढ़क के ये नीचे आ गया। सर आप निफ्टी एंड निफ्टी की पेड टिप्स वाइड करते हैं क्या? देखिए टिप्स की बजाय हम लोग पूरा ट्रेनिंग देते हैं, तो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर पेड वीडियो कोर्स ऑप्शन का 6000 में ले लेंगे तो आपको हमारी 20,000 रुपये महीने के मैसेज सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनबीसीसी में कुछ जंप आएगा क्या सर? हाँ, पहले लार्ज कैप में आएगा, उसके बाद मिड एंड स्मॉल कैप में अच्छा खासा जंप आएगा, लेकिन मिड कैप में एक स्टॉक का नाम मैं बता दूं जो सबसे ज्यादा मजबूती दिखा रहा है, उसका नाम है भेल, VHEL। भेल ने इस पूरी गिरावट में काफी मजबूती दिखाई है, तो भेल आगे आने वाले महीने दो महीने में अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। देखिए आप स्टॉक्स के अकाउंट ओपनिंग की लिंक भी दी हुई है, आप हमारे साथ अकाउंट खोल के रख सकते हैं। IDBI एक अच्छा स्टॉक है, तो IDBI आप अकुमुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक में जाएंगे ना तो ध्यान रखना कि वीकली अकुमुलेशन कीजिए कम से कम एक एक वीक की गैप से, क्योंकि जब गिरावट आती है ना तो ये दो दो दिन में 20-20% नीचे जा सकते हैं। जैसे दो दो दिन में 20-20% ऊपर आए हैं वैसा ही सेलिंग में भी होने वाला है, ध्यान रखें। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बहुत अच्छा शेयर है और बहुत तेजी से रिकवर करता है। विप्रो का स्टेटस बहुत अच्छा है और अब इसमें जो करेक्शन होना था हो गया। आईटी सेक्टर के पूरे प्रेशर के बावजूद विप्रो ने अपनी इज्जत बताई है, तो मैं कई बार आपको बोलता हूँ कि जैसे बुरे समय में दोस्तों की पहचान होती है, वैसे कमजोर बाजार में, मंदी के बाजार में मजबूत शेयर साफ नजर आते हैं। तो पूरी स्क्रीन लाल हो ऐसे में एक मजबूत शेयर, जैसे आज अगर मैं बात करूं तो आपको ओबेरॉय रियल्टी बराबर दिख रहा था, मजबूती बराबर दिखा रहा था, डेटा कॉर्प मजबूती बराबर दिखा रहा था, है ना। हाउ मच मार्जिन डू यू नीड फॉर ऑप्शन सेलिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? ये तो देखिए हम ब्रोकर नहीं है, आपको एक अच्छे ब्रोकर का लिंक हमने दे दिया, उसके बाद में आपको जाके सारी चीजें वहां पूछनी है, लिंक से आप जाएंगे और आप अपना डिटेल भर दीजिए, वो ब्रोकर की बैक ऑफिस टीम आपको कांटेक्ट करेगी। अकाउंट ओपन होने के बाद में हम लोग आपको अपनी तरफ से ट्रेडिंग और ट्रेनिंग में सपोर्ट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारे साथ अकाउंट खुलवाते हैं तो उसकी कीमत ₹1,00,000 से भी ज्यादा है। आपने अकाउंट खुलवाया फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कभी कभी ₹300 चार्ज लग गए, लेकिन लोग वहीं अटक जाते हैं, छोटी सोच में यही गड़बड़ है, ₹300 दे के आपको यहाँ पे ₹1,00,000 का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि हमारे जो नेटवर्क में साथ में काम कर रहे हैं
वो अगर हमसे हमारी टीम से कुछ सवाल पूछेंगे तो वो आपको जवाब देने वाले हैं कि मैं क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं, ये लेना है ये नहीं लेना है। माइंडट्री बहुत मजबूत है, 3 स्टॉक में आखिरी में बताने वाला हूं जो आगे आने वाले 2 दिनों में बहुत मजबूत रहेंगे। बाकी PSU तो नील भागे। देखिए PSU में मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, अभी उसमें काफी मजबूती आ गई है। भारतीय एयरटेल में काफी करेक्शन आ गया तो कहीं से भी पलट के एकदम शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। पेनी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है सही, ट्रेडिंग अच्छी होती है। जिंदल फोटो का व्यू क्या होगा? जिंदल फोटो पे अभी ध्यान मत दीजिए क्योंकि मार्केट जब इतना ज्यादा वोलेटाइल हो तो फ्रंट लाइन के ब्लू चिप शेयर्स में काम करना आपका सबसे अच्छा रहेगा, और उनको चुनने के लिए आप हमारा जो जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड ऐप है उसमें से कोई भी एक स्ट्रेटेजी जैसे स्विंग ट्रेडिंग की उठा ली आपने, या फिर ये 2021 स्ट्रेटेजी उठा ली आपने, या मीडियम स्मॉल कैप की 5% डेली स्ट्रेटेजी ले ली आपने, ये 2,500 के कोर्सेज हैं एक एक कोर्स। हाँ, मेरे मार्केट अपडेट्स को आप फ्रंट पेज पे एक लिंक आ रही है वहां पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ कोर्सेज आपको मिलेंगे। सर निफ्टी में मूवमेंट दिन में कौन से टाइम होती है? निफ्टी में मूवमेंट होती है 9:30 से 10:30 के बीच में सबसे ज्यादा, और दिन में 1:30 बजे से 1:30 to 2:30। पेट्रोल कंपनी बिग पुल आप, हाँ इंडसइंड बैंक परफॉर्म करेगा और SBI भी आगे आपको परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, लेकिन बाजार के साथ उतनी ही जल्दी इसमें करेक्शन आते हैं तो इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। देखिए अभी इस वक्त तो मैं जंप नेटवर्क का चार्ट नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर इस तरह की चीजों के जवाब चाहिए तो ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो इसके कमेंट सेक्शन में आप अपना पर्टिकुलर क्वेश्चन डालिए, अगर हम समय निकालते देख पाए और कोशिश करते हैं कि आपके उसमें जवाब दे दें। पर जंप नेटवर्क को अगर चार्ट नहीं भी देखें आप और हर महीने अगर अकुमुलेट करेंगे तो अगले 6 से 9 महीनों के अंदर ये आपको सारी रिकवरी दे देगा। अगर आप लॉस में हैं तो भी आपको पूरी रिकवरी दे देगा, और अगर आप लॉस में नहीं नए सिरे से एंट्री करने को सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा कि फिर इससे बेटर स्टॉक्स के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। PBR आपके पास होना चाहिए, ZIL आपके पास होना चाहिए इसी सेक्टर से, जागरण प्रकाशन होना चाहिए जो कि काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। आज सेल करके 25,200 कमाए हैं सर IRCTC, गोदरेज प्रॉपर्टी और MCX में, क्या बात है अनिरुद्ध जी, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं आप, हमें खुशी होती है आपके डिटेल्स देख के प्रॉफिट के। चलिए अभी मैं आगे बात करूं जो मैं बात करने आया हूं स्पेशली कि अगले वीक में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो अगले वीक में आपको ये ध्यान रखना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए मंथली लूजर देखो आप, तो मंथली लूजर में अब अपना अल्टीमेट सपोर्ट टच कर लिया है फार्मा स्टॉक्स में, तो आप बोलिंजर बैंड सर्च करेंगे, हमारा बोलिंजर बैंड वाला वीडियो सर्च कर लीजिएगा बोलिंजर बैंड, ये आपको उसमें मिल जाएगा टॉप स्टॉक रिसर्च में, है ना, मतलब आप ऐसा लिखिए बोलिंजर बैंड पंकज जैन हिंदी वीडियो टॉप स्टॉक रिसर्च, तो आपको उसमें प्रोसेस मिल जाएगा कि वीकली सपोर्ट मंथली सपोर्ट के पास आपको फार्मा के IT के जो स्टॉक्स दिख रहे हैं या FMCG के जो स्टॉक्स दिख रहे हैं उनमें स्विंग ट्रेडिंग का प्रोसेस चालू कीजिए, उसमें अच्छा पैसा मिलेगा। ये डिफेंसिव लोगों की बात कर रहा हूँ, इनको ज्यादा टाइम लगेगा प्रॉफिट में आने को, और अगर किसी को एग्रेसिव है थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर मेटल में बैंक में प्राइवेट बैंक्स में फाइनेंस में इनमें एंट्री करके आप रियल्टी में एंट्री करके बहुत तेजी से आप पैसा बना सकते हैं। तो जो एग्रेसिव लोग हैं उनको स्क्रीनर के इस्तेमाल करने चाहिए, जो स्क्रीनर्स हमने अपने वीडियोस में बता रखे हैं वो आपको काम में आएगा। पेयर स्ट्रेटेजी का SL क्या रहेगा? पेयर स्ट्रेटेजी में दोनों तरफ 1-1% का SL लगा सकते हैं। पेमेंट के लिए यहाँ पे पेमेंट लिख दे रखी है आपको, तो जो लोग भी कोर्सेज लेना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए 8381021346 पे फोन पे गूगल पे या फिर पेटीएम करके और अपना डिटेल व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपको कोर्स मिल जाता है, या फिर ऐप से या stockforexpost.com वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे पेमेंट करते हैं, वहीं आपको यूजर ID पासवर्ड मिल जाता है और वहीं पे आप कोर्स को देख सकते हैं। चलिए बात कर रहा था मैं
कि कौन से स्टॉक है जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे अगले दो दिनों में। इसको मैं बताने वाला हूं अगले 10 मिनट में। उसके पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग में ये आपको बता दूं कि स्विंग ट्रेडिंग जब भी आप कर रहे हैं और कोई स्टॉक अकुमुलेट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा आप कमजोर क्यों पड़ते हैं। कमजोर ऐसे पड़ते हैं कि किसी ने 760 रुपीज में पहले टाटा स्टील उठा लिया और सोचा कि आप पलटेगा पलटेगा पलटेगा, क्योंकि उन्होंने देखा था 770-780 था, अब वो पलटा नहीं, 760 से एकदम 735 चला गया, झटका लग गया हमको, हमने 735 पे और ले लिया कि चलो कोई बात नहीं, अब शायद आज नहीं कल पलटेगा। वहां से 706 रुपए आ गया और वहां से एक बार वापस ऊपर आया 740 तक और फिर 720 रुपए हो गया। अब एक बार वापस ऊपर आने के बाद जब सेलिंग आती है तो लोग टूट जाते हैं। तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल समय जब आता है उसके ठीक 5 दिन बाद ही सबसे अच्छा समय आ जाता है। यही बात फार्मा में भी होगी, ये बात आईटी में तो शुरू हो चुकी है ना। आईटी में तो आपने देखा कि कोफोर्ज, माइंडट्री, एम्फेसिस सब एकदम भागना शुरू कर दिए, एससीएल टेक, इनमें भी अच्छा मूवमेंट आ गया है। तो मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बस आपने जहां हिम्मत तोड़ी, जहां आप घबराए, बस उसके ठीक बाद से बाजार रिवर्सल कर सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार लोग बोलेंगे सर बाजार को कैसे पता कि हमारी हिम्मत कब टूटने वाली है। एक्चुअली ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम है ना। आप ये सोचो कि कोई चीज, जैसे आप सोच रहे हो, पहले आपने तेजी देखी टाटा स्टील में, आपने उसको देखा 730 से 750 होते, 750 से 780 होते हुए, तब आप एकदम डेस्परेट हो गए कि यार ये नीचे आए तो इसको लेना है। आपकी तरह हजारों लोग यही सोच रहे थे। तो जैसे ही 760 पे आया लोगों ने बहुत खरीदा उसको। और रिसेंसी बायस किसको बोलता हूं मैं, अभी अभी जो हुआ है वो हमको सबसे ज्यादा याद रहता है, इसीलिए हम हमेशा दौड़ती हुई गाड़ी पे या फिर दौड़ के पलट के जब आ रही है तो पहली बार में उस पर चढ़ जाते और उसके नीचे कुचल के मर जाते। तो 760 से वो सीधा नीचे आया, नीचे आया तो घबराहट में वो आदमी जो जल्दी में था, सोच रहा था कि सुबह खरीद के शाम को बेच दूंगा, वो आदमी उस घबराहट में, क्योंकि तैयार नहीं है वो, अभी उसने मन में ये बात तो सोच नहीं रखी कि चलो 10 दिन बाद ऊपर आएगा, अभी नीचे भी जा सकता है, ऐसा सोचा ही नहीं था, तो एकदम अफरा तफरी में वहां नीचे और खरीदेगा 730 में और वहां से 705 देख के वहीं पे बेच के भागने की बात करेगा। तो मार्केट इसी तरीके से, मार्केट मतलब कौन है मार्केट, क्या कोई इंसान है, क्या कोई एक एजेंसी है? नहीं। मैंने आपको बार बार बताया कि मार्केट मेकर्स मतलब वो 10% लोग जिनके पास बड़े पैसे की ताकत है, बड़े नंबर्स की ताकत है, या स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी मतलब इंस्टीट्यूशन का पैसा, म्यूचुअल फंड का, एफआईआई का पैसा। तो वो जब हजारों करोड़ रुपए की खरीदी करते हैं तो एकदम बाजार ऊपर भाग जाता है, वो जब हजारों करोड़ रुपए की प्रॉफिट बुकिंग करते हैं एकदम बाजार नीचे आ जाता है, लेकिन वो आपको बता के नहीं करते। और हम क्या करते हैं, जब जब बाजार में तेजी आती है उनकी खरीदी से तो हमको लगता है कि चलो अब खतरा टला, आप खरीदते हैं, तो जहां सबसे ज्यादा खतरा है वहां हम खरीद रहे हैं। इसको बोलते हैं फूल्स मनी, मूर्खों का पैसा। और फिर जब वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो जो लोग चुक गए थे वो अब उस वापसी यात्रा में चढ़ जाते हैं बस पे, तो फिर वो उल्टी जगह पहुंच जाते हैं, कहां तो उनको जापान जाना था और कहां चीन पहुंच जाते हैं, इस तरह की स्थिति बन जाती है दोस्तों। तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में ध्यान रखना है कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कोई अगर बोले कि यार 2 महीने से वेट कर रहा हूं तो मैं उससे कहूंगा 2.5 महीने कर लो। कोई कहेगा मैं 6 महीने से अटका पड़ा हूं तो मैं उनसे कहूंगा 25% और 8 महीने वेट कर लो। अगर आपने नहीं मानी ये बात तो वो भी करके देख लो, आपको बात समझ में आ जाएगी। और किसी दिन आपको ये लगने लगा कि यार रोज ऊपर बेच के नीचे खरीद लेता तो ज्यादा अच्छा होता, चर्निंग कर लेनी चाहिए थी, पर आपने अगर पहले 2-3 दिन चर्निंग नहीं की है तो बॉटम में चर्निंग की अकल मत दिखाइए। नहीं तो क्या 2 दिन से बाजार अच्छा करेक्ट हो गया था और अब आपने बॉटम में चर्निंग की कोशिश की, उसने आपके ऐसे लेट किए या फिर तेजी से माल डिलीवरी छूट गई, ये हो सकता है। तो जो गलती आपने कर दी है उस गलती को दोहराना दोबारा नहीं है। कभी कभी कोई बोलेगा सर मेरी वहां पे बाइंग की गलती हो गई थी अब मैं बाइंग नहीं करूंगा, नहीं, आपकी असली गलती को पकड़िए। उस जगह पे जहां पे सेलिंग करनी थी वहां पे आपने बाइंग की, ये आपकी गलती थी। और अब आप कह रहे हैं सर वहां बाइंग की थी, बाइंग नहीं करूंगा, ये मत सोचिए। अब नीचे के लेवल पे जहां बाइंग बनती थी यहां पे आप सेलिंग की बात कर रहे हो, आप फिर से वही गलती कर रहे हो। मतलब 780 रुपीज पे टाटा स्टील को खरीद लेना एक गलती है, लेकिन 720 पे उसको बेच के भाग जाना उससे बड़ी गलती है।
और पूरा पूरा बेच के भाग जाना। ठीक है, डर लगा, माना हमने, आपके पास 100 शेयर थे, 50 बेच देते, 50 में तो रुक जाते। अब आदमी ने क्या किया, आज वो पहले 25 आया, फिर 15 गया, फिर 20 आया, फिर 25 आया, पूरे बेच के बाहर आ गए। फिर वो 35-40 पे जाके जब खड़ा हो गया, बोले यार मेरी किस्मत ही खराब है, बाजार पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता। आपको देखना पड़ेगा कि ये सब आप अपने साथ कर रहे हो। ये जो ट्रेनिंग की बात करता हूँ, मैं क्यों करता हूँ, लोग कहते हैं कि सर लाइव स्क्रीन की ट्रेडिंग दिखाइए, लाइव स्क्रीन की ट्रेडिंग दिखाइए। अरे स्क्रीन तो वहां हमेशा दिख जाएगी आपको, 50 लोग बैठ के आपके सामने खेल खेलते रहेंगे चार्ट खोल के। वो सीखना है क्या आपको, उससे क्या फायदा मिल जाएगा? मैं यहाँ पे 50,000 रुपए भी कमा लूंगा तो आपके दिमाग में मेरा कौन सा अकल, कौन सा अनुभव, कौन सा ऑब्जर्वेशन चला जाएगा? मैं तो वहां आपको अपने ट्रेड करते वक्त समझाते नहीं बैठूंगा। आपको ये बात समझनी है ना कि जब मैं अपना काम कर रहा हूं, जैसे मैं अपना ड्राइविंग कर रहा हूं, तो अपनी ड्राइविंग अगर हाईवे पे कर रहा हूं और अच्छी स्पीड में गाड़ी चला रहा हूं, उस वक्त थोड़ी मैं सिखाऊंगा। जब मैं गाड़ी सिखाने बैठूंगा तो मेरे पास डबल कंट्रोल वाला हैंड ब्रेक वाला गाड़ी होता है और जिसकी स्पीड भी ज्यादा नहीं होती, एवरेज भी ज्यादा नहीं होता, ऐसी गाड़ी पे आप ड्राइविंग सीखते हो। इतनी बात की समझ नहीं है क्या? तो कभी कभी लोग जो भरोसा ही नहीं करते किसी चीज पे, वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ऐसा कुछ आ जाएगा तब मैं करूंगा, वैसा कुछ हो जाएगा तब मैं करूंगा। अरे तो भाई हमारे बच्चे की शादी थोड़ी है जिसमें हम आपको इनवाइट करने आए हैं। जिसको भी मार्केट में काम करना है वो मार्केट में काम करना सीखना चाहता है, जहां उसको समझ में आए वहां जाके सीखे, लेकिन सीखना जरूरी है। जहां भरोसा नहीं है वहां बिल्कुल मत रुकना। वकील, डॉक्टर और टीचर, इन तीनों पे या तो भरोसा करो, पूरा भरोसा कर लो, नहीं हो तो उनको छोड़ दो। जबरदस्ती उनके साथ जिद करने से आपको ना तो कोई फायदा मिलेगा, ना हमको कोई फायदा मिलेगा। चलिए, आपको ये सारे लिंक्स मिल रहे हैं, इनका ध्यान रखें। अब मैं आपको 3 स्टॉक्स जो मैं बताना चाह रहा था, आप लिखें अगले 2 दिनों के लिए 3 स्टॉक्स। एक तो कोफोर्स है जिसने एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिखाया। कोफोर्स जो NIIT टेक्नोलॉजी के नाम से था, ये 2810-2820 रुपए के आसपास खड़ा है। कोफोर्ज COFORGE कोफोर्ज, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नाम। एक स्टॉक का नाम है कोफोर्ज, ध्यान रखना है ना। कल अगर ये टिकने की कोशिश करे तो ही आप इसमें पोजीशन बनाएंगे, कोफोर्ज। ठीक है, पहला स्टॉक अगले 2-3 दिन के लिए बता रहा हूं कौन से स्टॉक है जो परफॉर्म करेंगे। एक स्टॉक है माइंडट्री जिसने नए सिरे से ब्रेकआउट दिखाया। माइंडट्री बहुत दिनों से करेक्ट होके नीचे पड़ा था, आप चलने की कोशिश करेगा, जब चलता है तो एक तरफा मूवमेंट दिखाता है। ये ब्लू चिप स्टॉक जो IT के हैं उनकी तरह नहीं चलता, उनके साथ भी नहीं चलता, ये अलग से चलता है। तो इसकी चाल बहुत अच्छी होती है, आपको FII और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में जाके चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि माइंडट्री में इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट अच्छा है। ठीक है, अब इसके बाद अगला नाम मैं बता रहा हूं मेटल सेक्टर से, JSW स्टील। ध्यान रखना है इसका, मेटल सेक्टर में ये अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन ध्यान ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहां से ये लेके गए और जाके खरीद के बैठ गए, ट्रेडर ऐसे काम नहीं करेगा। सबसे पहले क्या देखेगा, निफ्टी का डायरेक्शन, निफ्टी मूवमेंट दिखा रही है, फिर देखेंगे सेक्टर। अगर आपको देखिए IT सेक्टर ज्यादा सपोर्ट कर रहा है तो IT में ध्यान देंगे, अगर मेटल सेक्टर ज्यादा सपोर्ट कर रहा है तो मेटल में ध्यान देंगे। पर आपको लग रहा है सर ये सब मेरे से नहीं होगा, तो इन तीनों शेयर में कल डे के हाई पे बाइंग लगा के छोड़ दीजिए। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने खरीदा, पहले उसमें एक डिप आया, आप घबरा गए, आपने वहां लॉस बुक किया, उसके बाद पलट के इसने भागना शुरू किया, ये हो सकता है। जैसे माइंडट्री की बात करूं आज, या एम्फेसिस की बात करूं, एम्फेसिस पहले 1%-1.5% नीचे चला गया, उसके बाद भाग के वापस ऊपर आया, तब तक तो बड़ा से बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। यही चीज डेल्टा कॉर्प ने की थी आज। डेल्टा कॉर्प एक बार तेजी से नीचे आया, बाजार के साथ उस पर भी प्रेशर आता है, क्योंकि निफ्टी में इतना बड़ा सेलिंग आ रहा था ना, तो कोई अच्छा शेयर है वो गिरेगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर बाकी शेयर 5% गिर रहे हैं तो ये 1% गिरेगा। तो ये हमको समझना है पूरा डिटेल में कि बाजार बिहेव कैसे करता है। सर टाटा मोटर 318 पे होल्ड और एग्जिट, बिल्कुल टाटा मोटर को यहाँ पे तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर बाजार यहाँ से रिकवरी दिखाता है तो फिर उसमें चांसेस बनेंगे
ऑटो सेक्टर में एक शेयर का नाम आपको बता रहा हूं जो मजबूती दिखा रहा है, वो है आयशर, आयशर मोटर। आयशर को देखेंगे आप इसके बाद में। अगला शेयर मुझे जो नजर आता है, एक तो डेल्टा कार्प काफी मजबूत खड़ा है। डेल्टा कार्प को देखिए और ओबेरॉय को देखिए, आज इनमें नए सिरे से ब्रेकआउट देखने को मिला है, ओबेरॉय और डेल्टा कार्प। लक्ष्मी मशीन जो मैंने अभी वीडियो आएगा तो वो वीडियो पिछले दो दिन फ्राइडे और मंडे को उसने अच्छी रैली दिखा दी है। अभी मूवमेंट होते रहेंगे लेकिन दो दिन का क्लियर मूवमेंट होने के बाद में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो कई बार क्या होता है, जैसे हम अपने वीडियो में किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सक्सेस स्टोरी आपको इसलिए नहीं कि आप उस शेयर को ले लो, वो सक्सेस स्टोरी इसलिए है कि कोई भी शेयर कैसे मूव करता है उसका हमको समझ रहे, कैसे हम अपने डिसीजन लें। तो डिसीजन लेने में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप हमारे कोर्सेज लेते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि 10 मिनट में सही चीज चुन के उसमें स्टॉप लॉस लगा के स्क्रीन अगर छोड़ देंगे तभी आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लक्ष्मी मशीन में हमको सबसे बड़ा प्रॉफिट क्यों मिला, क्योंकि 6800 पे लेने के बाद उसको हमने एसएल लगा के छोड़ दिया। अब जब हम वापस देखने गए तो हमको 7200 दिखा, दूसरी बार देखा 7400 दिखा, तो पूरा एक एक शेयर में 600 रुपए का फायदा मिलेगा। तो आप सोचो 100 शेयर में 60,000 रुपए क्यों ना मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमने हर शेयर 600 रुपए पे ही बेचा, इंसान है हम सब एक जैसे ही होते हैं, किसी को शेयर का कलेजा नहीं होता। तो हम भी बीच में 300 रुपए ऊपर में थोड़ा बेच रहे थे, फिर 500 रुपए ऊपर में थोड़ा बेच रहे थे, फिर 600 में थोड़ा बेचा, फिर 600 पे टिका नहीं, नीचे आया 400 450 के प्रॉफिट पे बेचा, ऐसे करके प्रॉफिट 40-50,000 रुपए इकट्ठा हो, ठीक है। लेकिन काफी होता है, मतलब आपको एकदम सही होना ही नहीं है बाजार में, उस आदमी की जरूरत नहीं है यहाँ पे जो एकदम सही या एकदम गलत होता है। कोई इंसान सोच रहा है मैं बाजार में एक भी गलती ना करूं, तो फिर मैं कहूंगा कि मत करो आप, अब मत रहो यहाँ पे। कोई भी काम अगर आप करने जाएंगे तो आपसे गलती होगी। दोस्तों हमारी ऑटोबायोग्राफी को आप काफी पसंद कर रहे हैं, अभी आने वाले 24 घंटों के अंदर नया एपिसोड आने वाला है जिसमें आपको पता लगेगा कि एक ट्रेडर की पर्सनालिटी तैयार होने के वक्त मतलब सिर्फ स्क्रीन से या टेक्निकल एनालिसिस या किसी सॉफ्टवेयर से आप नहीं बनते, आप बनते अपने जीवन के अनुभव से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो चीजें समझनी पड़ेगी कि अपने अंदर एक इंटीग्रिटी लाइए। हाई पैसा पैसा दे दो पैसा दे दो ऐसा बोलने वाला आदमी कभी गरीब होता है। एक आदमी ये बोलेगा नहीं भाई ठीक है, कल 100 रुपए कमाए थे आज 120 कमाए हैं, कल नुकसान हुआ था 200 का आज 150 का ही हुआ है, मतलब एक कदम आगे बढ़ा जो आदमी, वो बहुत आगे तक जाएगा और उस बात के साथ वो खुश है कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन 5,000 रुपए पर डे का लेवल भी पहुंच जाऊंगा। क्या ज्यादा ज्यादा कितने दिन लग जाएंगे, 300 दिन, एक साल चलेगा, 2 साल लग जाए भाई, क्योंकि 25 साल तक की पढ़ाई करने के बाद अगर मैं 2,000 रुपए पर डे की मतलब 1,00,000 रुपए 70,000 रुपए महीने की नौकरी कर सकता हूं तो 2 साल में 5,000 रुपए पर डे का लेवल क्रॉस कर लूं और मेरी वर्किंग एक्चुअल 1 घंटे की रहेगी तो क्या बुराई है भाई। अच्छा ट्रेडर मैं किसको बोलता हूं, जो यहाँ 5-6 घंटे स्क्रीन को घूर रहा है वो तो कभी नहीं बन सकता उतना अच्छा ट्रेडर। अच्छा ट्रेडर कौन बनेगा, जो सबसे सही टाइम पे आता है, अपना जबरदस्त ट्रेड करता है, स्टॉप लॉस लगाता है और चला जाता है। और मैं ये कभी भी नहीं कह रहा हूं कि अच्छे ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, बड़े आराम से होते, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 10 दिन में से अगर मैं 6-7 दिन कमा रहा हूं तो उन 7 दिन में से अधिकतर दिन ऐसा होगा कि सुबह सुबह स्टॉप लॉस हिट हो गए और पहले हम 2,000-5,000 माइनस हो गए, उसके बाद अब घबराहट नहीं हो रही है। पहले ऐसा होता था कि अरे बाप रे पैसे लग गए अब क्या करूं, जल्दी करो कवर करना है, तो हम 5,000 को 15,000 माइनस बना लेते थे, अब ये नहीं करते। अब हम ऐसा करते हैं यार एसएल चले गए जाने को, अब क्या करना है, एक काम करो यार मार्केट अभी गड़बड़ कर रहा है, यूरोप का मार्केट खुल के 1:30 बजे बाद देखते हैं क्या होता है, कौन सा सेक्टर चलेगा, तब हम आके वहां पे अपने 1,000 शेयर लिए, वो 8 रुपए ऊपर भी क्या 8,000 मिला, फिर एक आध ट्रेड और कर लिया 15,000 मिला और सुबह का 5,000 रिकवर भी हो गया, 10,000 रुपए का नेट प्रॉफिट भी आपको सामने दिखने लग जाएगा। ऐसे काम करना है, मतलब पैनिक में आके, जैसे कई लोग बोलते हैं सर लॉस कवर करना है, सर लॉस कवर करना है, गलत अप्रोच है। अगर लॉस ही कवर करना है तो लॉस होने के बाद भी आप जिंदा हो, और अगर ये चीज आप नहीं करने वाले आगे तक तो
टाइम बर्बाद मत करो, आपका 2 लाख रुपया चला गया जाने दो, लेकिन ये 2 महीने 6 महीने और बर्बाद मत करो। आप आगे जो काम करना चाहते हो उसमें जाओ, उसमें समय लगाओ, क्योंकि पैसा तो वापस लौट के आ जाएगा, समय लौट के नहीं आएगा भाई, है ना। जब लड़की का बाप पूछने वाला हो भाई क्या करता है सामने वाला, तब आप ये नहीं कहोगे कि यार अभी तो मैं लॉस रिकवर कर रहा था, क्या करता हूँ ये तो मैं सोचूंगा। तो आपको जिस दिशा में जाना है उधर ही अपना समय और एनर्जी लगाओ। अगर यहाँ पे आप आ रहे हो तो सिर्फ 2 लाख 5 लाख का लॉस कवर करने मत आइए, यहाँ कम से कम 1 करोड़ रुपए में बनाने का रास्ता आपको बताऊंगा, और वो बनेगा ही बनेगा। चाहे कोई बुद्धू पांचवी फेल आदमी भी आ जाए, दूसरी फेल आदमी भी आ जाए, अनपढ़ भी आ जाए, अंगूठा छाप भी आ जाए, बल्कि मैं तो कहूंगा अंगूठा छाप लोग इसलिए ज्यादा अच्छा सीख पाते हैं क्योंकि वो कोरी स्लेट है, कोरा कागज है जिसपे लिखना आसान होता है। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थोड़े बहुत समझदार लोग हैं वो पता नहीं कहाँ से आधा अधूरा ज्ञान लेके आते हैं और कोई भी बात पूरी तरह मान नहीं पाते, तो उनके साथ दिक्कत ये होती है कि वो यहाँ वहां का सारा भेल बना के और जब कोशिश करते हैं तो किसी भी गुरु का ज्ञान उनके लिए काम का नहीं बन पाता। तो आपको मैं कहूंगा सबसे सीखो, लेकिन किसी एक की स्ट्रेटेजी का आधा हिस्सा और दूसरी की स्ट्रेटेजी का आधा हिस्सा और तीसरे का ऐसा भेल बना के काम मत करना। आप किसी की एक पूरी स्ट्रेटेजी मानो, फिर दूसरे के पास जाओ उसकी पूरी स्ट्रेटेजी मानो, अप्लाई करो, 10 दिन तक रिजल्ट देखो और जो चीज काम करे उसको आगे कंटिन्यू करो। जहां आपको फायदा मिले वहां और ज्यादा सीखो, यही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं है। अगर आपका ईगो ये कह रहा है कि नहीं भाई मैं किसी और से सीख के छोटा हो जाऊंगा, तो फिर आप गलत जगह आ गए, फिर आप यहां मत रहिए। आप ऐसी जगह जाइए जहां पे एक बार जो सीख लिया है उसी काम को 50 साल तक एक जैसा करते रहेंगे तो भी चल जाएगा। वैसे तो मुझे दुनिया का कोई फील्ड, भले आप जूता पॉलिश करते हो, झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, अगर ध्यान दोगे तो आपके काम में कला आ जाएगी और वो कला आपकी इज्जत बना देगी। जैसे इंदौर में एक ट्रैफिक हवलदार है, वो बंदा इतना स्मार्ट है, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। वहां चौराहे पे खड़ा होके इस तरीके से एनर्जी के साथ ड्रिल करता है कि पहली बार वो जो एक इमेज बन गई थी, ठुल्ला ठुल्ला ट्रैफिक वाला हवलदार, लोग इज्जत नहीं करते थे क्योंकि अपनी इज्जत नहीं कर रहे थे लोग, जो पुलिस वाले हैं ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, लोग उनको बोल रहे थे ठुल्ला, तो वो भी कह रहे थे हाँ यार ठीक है मेरा तो बेकार काम है। लेकिन उस बंदे ने अपने काम से प्यार किया और अब वो जो ड्रिल करता है वहां पे ट्रैफिक के चौराहे पे खड़े होके पूरी एनर्जी के साथ, तो लड़कियां वीडियो बनाती है, शेयर करती है, हर आदमी जो ऑफिस जा रहा है जोश से भर जाता है उसको देख के, मतलब ऐसा लगता है कोई मॉडल का रैंप वॉक चल रहा है। तो ऐसे ही मैं दोस्तों आपसे कहता हूं कि काम आधे अधूरे मन से मत करना, अगर आपको ढंग से करना है तो ही स्टॉक मार्केट में आप जाओ, क्योंकि तैरना नहीं आता है तो 2 मिनट में भी डूब के मर सकता है आदमी। तो आपको यहाँ पे सीखना है सही तरीके से। मैंने आपको कई स्टॉक्स के नाम बता दिए हैं, पेनी स्टॉक अगर ढूंढना है तो उसका भी एक तरीका है, डरवास के स्क्रीनर में हमने बताया था, वहां से आप ले सकते हैं, या फिर हम सुपरस्टार इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में से भी पेनी स्टॉक्स देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जिन लोगों को हम पे भरोसा है, सर शेयर कलेक्शन करना सही है क्या? शेयर अगर सही है तो कलेक्शन करना सही है, नहीं तो बहुत बुरा है। इसलिए कोई भी काम सही गलत कैसे होता है, जैसे मैं आप शराब की बात कर लें, अगर आप खुद को भुलाने के लिए उसको पी रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, खुद को याद करने के लिए पी रहे हैं, अपनी एनर्जी इकट्ठे अपना स्ट्रेस खत्म करने के लिए पी रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। तो आप देखो ना कि उसी ड्रिंक का कोटा हमारे मिलिट्री को मिलता है और वो उसका इस्तेमाल करके हमको बचाते हैं दुनिया की हर लड़ाई से, अपने अंदर की लड़ाई को वो दबा पाते हैं, अपनी जिंदगी में एक नया जोश ला पाते हैं, थकान खत्म होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसी को अपने हर सवाल को भुलाने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे मैं बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो या ऑप्शन हो, अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आपके लिए हर चीज ही बेकार है, म्यूचुअल फंड तक बेकार है, आईपीओ भी बेकार है। अगर आपको तरीका पता है तो फिर आप पेनी स्टॉक भी करोगे तो सही करोगे। तो कोई बोलेगे नहीं सर मुझे तो पेनी स्टॉक में ही काम करना है, तो फिर मैं कहूंगा आओ बताता हूँ मैं पेनी स्टॉक में काम कैसे करना है। सबको मैं कहता हूँ 2000 रुपये पर डे या 1000 रुपये पर डे का टारगेट बनाओ, पर कोई बोले नहीं सर मुझे तो 50,000 ही कमाने हैं एक ही दिन में, तो फिर मैं कहूंगा आओ
50,000 की तैयारी करते हैं, पर ईमानदारी होनी चाहिए। कोई आदमी 50,000 रुपए पर डे कमाने की बातें कर रहा है, मतलब साल में 1 करोड़ से ज्यादा कमाने की बात कर रहा है, और उसको मैं बोलूं कि 1 लाख रुपए की ट्रेनिंग ले लो, बोला नहीं सर 1 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है, तो फिर मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे। तो आपको ऐसा सोच के कि इधर से मैं गन्ना डालूंगा उधर से पाइनएप्पल जूस बाहर निकलेगा, स्ट्रॉबेरी जूस बाहर निकलेगा, कभी नहीं होगा। तो दोस्तों ऑटोबायोग्राफी रिलीज हो जाएगी कल, आपको मैक्सिमम लोगों के साथ उसको शेयर भी करना है। हमारी ऑटोबायोग्राफी पहली वीडियो बुक है, पहली वीडियो ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि हमने देखा लोगों की रीडिंग हैबिट खत्म हो गई, लोग किताब नहीं पढ़ते किताब नहीं पढ़ते। अरे नहीं पढ़ते, वो देखते तो हैं, वो वीडियो देखते हैं, उनको वीडियो देखने की पूरी आदत अगर लग गई है तो वीडियो भी अच्छी चीज हम शेयर कर लेते हैं ना। तो हमने वीडियो का इस्तेमाल आप लोगों को सिखाने के लिए किया, हमने वीडियो का इस्तेमाल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो वेस्टेज था ऑफिस का, यहाँ का, आपका आना जाना, पेट्रोल की बर्बादी, आप जो पॉल्यूशन फैलाते पेट्रोल खत्म करके धुआं उड़ा के, वो सब खत्म। आप अपने जगह से आजादी से सीखे जितना सीखना हो, इसीलिए तो हमारे 6,000 वाले वीडियो कोर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पहले तो आदमी को लगता नहीं ऐसे में सीख नहीं पाऊंगा, लेकिन बाद में जब वो उसी वीडियो को बार बार सीखते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि उन्होंने नहीं उनके परिवार ने भी सीख लिया बहुत सारा। और 6,000 के कोर्स से जब वो 60,000 रुपए निकाल के बाहर आते हैं फिर उनका कोई सवाल नहीं बचता, क्योंकि शुरू शुरू में हम हर एक आदमी पे शक करते हैं, जब अपने आप पे करते हैं तो दूसरे पे क्यों नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कल बाजार की तैयारी कीजिए। जो लोग भी अभी कोर्स लेना चाहते हैं 16,000 रुपीज के 3 कोर्स मिलेंगे 18,000 में वाले, लेकिन साथ में आपको 40,000 का जो स्प्लिट ट्रेडिंग मैसेज जिसमें 3 से 4 शानदार मैसेज आपके पास आते हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के या वीक स्टॉक्स के, वो आपको मिलेंगे। तो आप 18,000 की बजाय 16,000 दे रहे हैं और साथ में 40,000 का स्पीड ट्रेडिंग मैसेज वो आपको मिल रहा है दिन में 3 बार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, पेड ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच, बाय। फ्रंट पेज जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड का एंड्रॉइड ऐप वो डाउनलोड कीजिए, अप स्टॉक्स में हमारे साथ अकाउंट खोल लीजिए, और 16,000 के 3 वीडियो कोर्स या 6,000 का सिंगल 1 वीडियो कोर्स आप लेके काम कर सकते हैं। 6 मंथ का कोर्स अब 99,000 का है, 99,000 के लिए लिमिटेड सीट्स रहेगी, हम सिर्फ 10 लोगों को एंट्री देते हैं, तो अभी सिर्फ 2 सीट बाकी है। अगर किसी को करना है तो ये मौका अच्छा होगा, जब भी बाजार नीचे के लेवल पे आता है तो ऐसे लोग 1 हफ्ते के अंदर कई बार अपनी आधी फी से ज्यादा कवर कर चुके होते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आपके पास उसकी व्यवस्था है तो आप उतने बड़े कोर्स के बारे में सोचो, व्यवस्था नहीं है तो हमने छोटे से छोटे कोर्स इवन 999 से भी कोर्स शुरू कर रखे हैं, 999, 1199, 2999, 1999, 6,000 की 10 स्ट्रेटेजी। हाँ ध्यान रखें ये सब 1 स्ट्रेटेजी की कॉस्ट थे। बाय, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, सबसे प्यार करते रहिए, अपनी जिंदगी खुशनुमा बनाइए, और कैसे हो बिंदास जिंदगी। पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ में एक फ्री कोर्स अभी अवेलेबल है जो बाद में एक पेड प्रोडक्ट की तरह रहेगा, अभी जाके आप डाउनलोड करके उसको अपने साथ रख सकते हैं, अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय। कैसे हो बिंदास जिंदगी, पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ हमारा एक और चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर